global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर है. इस कंटेंट पे कोई भी गाना अब तक आया नहीं है और 90% यूथ का आई वुड से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है. सो इट्स बेसिकली अ स्टोरी ऑफ अ बॉय स्टेइंग इन दिल्ली और लड़की न्यूयॉर्क. तो सर कैसे इंस्पिरेशन आया या फिर किसी दोस्त से इंस्पायर हुआ ऐसा? आई स्टार्टेड एज अ डीजे, तो उसके बाद मैंने एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बॉलीवुड में काम किया. तब से कहीं ना कहीं विचार था कि सिंगर बनना है, बट आई वॉज वेटिंग फॉर अ गुड टाइम, एक अच्छे कंटेंट के लिए रुका था. तो जब ये गाना मेरे दिमाग में आया, जो लिरिसिस्ट है ध्रुव योगी, उन्होंने ये दिमाग में डाला तो गाना अच्छा लगा. सो आई वॉज लाइक लेट्स डू दिस. तो फिर ये गाना तब मेरे दिमाग में आया. इट वॉज गुड, इट वॉज गुड. शी वॉज कोऑपरेटिव. कोइंसिडेंटली शी कुडंट कम टुडे ड्यू टू सम मिस हैपनिंग विद हर. सो बट इट वॉज क्वाइट गुड, शी वॉज क्वाइट कोऑपरेटिव एंड हेल्पिंग. सो गाना शूट हुआ है दुबई में. वी हैव यूज्ड अराउंड 4 लोकेशंस इन 1 सॉन्ग. सो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दुबई में है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क दिल्ली, एंड वी हैव कवर्ड इट टू दुबई की वो सरप्राइज उनको मैं देता हूँ दुबई बुला के, एंड आई प्रपोज हर विद द मैरिज एंड ऑल. सर मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरा पास्ट रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस है. मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ. इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड समवेयर, बट इट इज़ गुड. रिलेशन आर गुड इफ यू मेंटेन एट अ गुड. अभी थोड़े टाइम में हम लोग गाना सुनने वाले हैं. अगर गाने की 2 लाइनें हमारी ऑडियंस को सुनाई जाए. वो सोनी जिवें हूर परी है, आए नी मजबूर बड़ी है, मिलने नु कह भी नहीं सकदा, वो चंदरी दूर बड़ी है. ਪਿਆਸੀ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਡਰਦਾ. ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ. ਸਰ ਲਾਸਟਲੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏ ਗਾਣਾ ਕੌਣ ਸੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖ ਪਾਏਗਾ? ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇ, ਜਿਸ
is a poster launch and an exclusive preview we are doing for the media. So public can stay connected on the social media as well, reveal all the details. The song is releasing within few days on T Series Apna Banda. Thank you. See, what new they have got, and all the very best to him. It's his first release, so very excited for the launch. Music ki kitni badi fan hai, music kis tarah ka music sunna pasand karte? I like Punjabi music वैसे तो but I prefer hip hop sometimes. शिपाली इसके अलावा आपका कोई plan है in future? जैसे पारस ने एक show already sign कर लिया, आपका क्या plan है next अगर कुछ share करना चाहिए तो? आपको जल्दी पता लग जाएगा, बस stay tuned हाँ. Okay, क्या कहना चाहेंगे पारस का जो नया show है, बहुत ही पारस और शहनाज दोनों का मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी शहनाज के लिए कि वो ये शो क्यों कर रही है, लेकिन शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग. बट या स्वयंवर इज़ अ बिग थिंग, बट आई थिंक कि वो उसको पॉजिटिवली ही शो को यू नो लेगी, एंड काफ़ी समझदार है, सो वेरी एक्साइटेड एंड इंटेलिजेंट है. दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, पारस भी और शहनाज भी, तो खूब हमें एंटरटेन करेंगे, स्मार्टली इसको भी खेलेंगे. आज बहुत कुछ नहीं होती सर, कुछ दिल से काम करते हैं हमेशा. जब से ये काम शुरू किया हमेशा दिल से ही अंदर प्योर हार्ट प्योर से काम करते हैं. बाकी बाबा जी ऊपर मानते हैं, मैंने बताया आपने जो है मिलिन के साथ भी काम किया और बहुत सारे गाने किए, गुरु भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गुरु तो इज लाइक माई ब्रदर, एंड उसके साथ तो भाई वाली बात है. बाहर अगर हम काम करते हैं कहीं प्रोफेशनली डील करते हैं, बट गुरु के साथ इज लाइक इज अ ब्रदर टू मी. एंड बहुत टाइम से हमारा पेंडिंग था गाना करना, एंड आई एम रियली हैप्पी कि अब फाइनली छा गए. आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्किंग विद शोकेड? एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था. जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया, शोकेड और मेरा रिश्ता बहुत पहले से है, सो सोच के रखा था कि जब गाना करना है तो शोकेड के साथ ही करना है. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड भाई ने कंटेंट भी कुछ ऐसा दे दिया कि इट वाज लाइक कि करना ही करना. तो जैसे मैंने आपको बताया आने के तीन गाने भी शोकेड के साथ में ही है. वर्किंग एक्सपीरियंस वाज टू गुड. मतलब पहले डिसाइड किया था कि यही गाने के साथ गुरु भाई का डेब्यू होगा? डेढ़ साल पहले गाना डिसाइड कर लिया था. डेढ़ साल की दो साल हो चुके हैं. गाना वैसे को पसंद था पहले से, हमने बना के रखा हुआ था, वो मौका नहीं लग रहा था शूट करने का. अब शूट हुआ है, अब आ रहा है गाना, तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ दिस गाना दिस सॉन्ग इज गोना बी योर डेब्यू. गुरु भाई ने सबके सामने बोल दिया कि हर एक एक महीने में वो गाना लॉन्च करने वाले हैं, तो क्या हर गाने का पार्ट होंगे आप या फिर कैसे? अभी तो इसके नेक्स्ट अपकमिंग चार गाने तो मैंने ही बनाए हैं, आगे भी इसको कहीं जाने नहीं देना, मैं ही बनाऊंगा सारे गाने. So any plans to collaborate with Shefali? For sure, we would love to have her in the video. I would love to. मैं वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ बिग बॉस, तो मैं देखता ही हूँ सारे एपिसोड. आई वुड लव टू हैव हर, कोई भी वीडियो हम करेंगे फ्यूचर में फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बता देता हूँ कि गुरु मेरा बहुत ही खास दोस्त, मतलब थोड़ी बहुत बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, और ये गाना जो उसने लिखा है, जो परफॉर्म किया है ना, आप लोग भी देखोगे, आई थिंक इन्होंने देख लिया, देखना अभी देखना है ना. हाँ मैं कह रहा हूँ आप लोग क्रेजी हो जाओगे, पागल हो जाओगे, इट्स माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, सुपर. मैं आपको बता देता हूँ, मैं लगता हूँ ना गाने में लॉन्च होने वाला लड़का. प्रॉब्लम पता क्या है, भाइयों को याद करता है लेकिन थोड़ा देर से याद करता है. आई एम टेलिंग यू कि गुरु अगला गाना बना रहा है बहुत सारे, और उसके लिए अंदर डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा. गुरु भाई 101%. मैंने आपको, मैं नाम नहीं रिवील कर रहा, मैंने पहले ही आपको बोला कोलैब्स बहुत सारे हैं, एक तो मजबूरन मैंने कर दिया, पारस भाई भी है. 100% बहुत सारे कोलैब्स है सर, 100% डन. जैसे मैंने बता दिया अभी हर महीने एक गाना है, वो तो बैक टू बैक आना है, करना ही है कोलैब. शुरुआत यार, मैं आई एम इन दिस सम कॉन्ट्रैक्ट विच इज आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल द थिंग, बट डेफिनेटली आई एम गोना टेल यू, मैंने कुछ चीज़ें की हैं, वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगी. थैंक यू. आज के गाने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज गुरु इज़ अ फ्रेंड, एंड आई एम हियर टू विश हिम ऑल द बेस्ट. मेरा भी सिंगल रिलीज हुआ था, सो आई नो दैट एक्साइटमेंट, आई नो हाउ इट फील्स, एंड ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ आई वॉन्ट टू विश हिम ऑल द लक. एंड या हमने जब इंडियन आइडल किया था, और अब जो है पूरा म्यूजिक का ट्रेंड चेंज हो चुका है, जिस तरह से सिंगल्स आ रहे हैं, रिक्रिएशन हो रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे एज अ सिंगर आप इसे कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छी बात है, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सबको इतना एक्सपोजर मिल गया है अपने अपने टैलेंट को आगे लेके आने का,
एंड दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग यू नो सिंगल्स लेकर आ रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं एंड आई हैव अ ह्यूज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सो या ऑलवेज हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम गाने का नाम जो है लॉन्ग डिस्टेंस कितना बिलीव करती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितना बिलीव करती हूँ सी इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दोनों कैसे कैरी करना चाहते हैं रिलेशनशिप को वो उस पर डिपेंड करता है आई थिंक मैं भी लॉन्ग डिस्टेंस में रही हूँ बहुत पहले की बात है बट या इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू पर्सन यार बहुत सारी मस्ती बहुत सारा धमाल आई थिंक बहुत सारा डांस आई थिंक गुरु और बताएंगे क्या होने वाला है गाना एक्सक्लूसिवली सुनाऊंगा आई विल बी परफॉर्मिंग लाइव ऑन अ मेडले मतलब टुडे वी आर इन अ पार्टी मूड कंप्लीट पार्टी मूड फुल ऑन पार्टी जितना शूट का फ्रस्ट्रेशन था वो आज उतरेगा मेरे दो गाने एक मूवी में रिलीज होने वाले हैं उस मूवी का नाम है मोस्ट कॉमन गुड़बक एंड द शॉर्ट फॉर्म इज एमसी गुड़बक तो वो बहुत जल्दी आने वाला है फिर एक और मूवी है दही सर चेक नाका उसमें भी मेरे दो गाने हैं जो बहुत जल्दी इस साल सुनने को मिलेंगे आप खुद बहुत बड़ा फैन हूँ और मतलब म्यूजिक ऐसी चीज़ है जैसे मैं फिटनेस में भी हूँ ना तो मेरा जिम भी बिना म्यूजिक के होता ही नहीं है मतलब मैं कर ही नहीं सकता और उसके बाद में सबसे बड़ा मैं फ़ैन वैसे भी पंजाबी म्यूज़िक अर्बन म्यूज़िक उसका मैं और भी बड़ा फ़ैन हूँ और आज जैसे कि गुरु पाजी का गाना कल आ रहा है और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ उससे पहले तो कंग्रेट्स पाजी थैंक यू वेरी मच थैंक यू पहला गाना आ रहा है और साथ में करिश्मा है तो चार चांद लग गए हैं फिर तो गाने में बिल्कुल ही और गाना मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और पहला गाना है तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग बहुत ढेर सारा प्यार दें और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पाजी आप कितना एक्साइटेड हूँ कुछ ओवर ही ज़्यादा कि मतलब मेरी बोलती बंद हो चुकी इतना ज़्यादा पाजी लगता है ना मतलब होता है ना एक टाइम आता है इतना एक्साइटेड हो जाता है ना बंदा फिर इंसान रुक जाता है तो उससे आप क्या ही बोलूँ मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है बस जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू अरे अरे जिसके लिए इतनी मेहनत की है वो आज हो बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं समझ सकता हूँ वो ना फीलिंग होती है ना जिस दिन इंसान मेहनत करता है एक चीज़ के लिए और वो फाइनली जब मिल जाती है तो बिल्कुल जितना आप खुश हो उतना ही मैं खुश हूँ आपके लिए गाने का नाम जो है लॉन्ग डिस्टेंस है कितना बिलीव करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देखो वैसे तो मैं 6 साल से रिलेशनशिप में ही नहीं रहा मतलब मैं जिंदगी भर कोई रिलेशनशिप में रहा ही नहीं हूँ वैसे तो मगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो मैं सोचता हूँ कि जो प्यार होता है ना वो चाहे बिल्कुल साथ में रहे इंसान या फिर कहीं दूर रहे प्यार प्यार से मिल ही जाता है और चाहे कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो वो कम हो ही जाता है ये तो इनका प्लान होना चाहिए क्यों नहीं जरूर करेंगे 101% जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हम करेंगे जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि हर 21 को एक गाना देने वाला हूँ तो हर 21 तारीख को करेंगे कोलैब्स तो मैंने आपको बोला है कि बहुत सारे करने वाला हूँ मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं जैसे कि मैंने अभी एक रियलिटी शो होस्ट किया है इसका नाम है एक्सट्रीम सर्वाइवर्स वो आने वाला है फिर मैंने एक बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ में एंड तुषार कपूर के साथ में एक मूवी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर करी है तो वो आने वाली है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं और आगे भी बहुत लाइंड अप है गाना बहुत अच्छा है मैंने देखा है इसका ऑडियो भी देखा है मैंने और वीडियो भी देखा दोनों देखा है बहुत अच्छा गाना है गुरु जैसे गाने की तो तारीफ हो ही रही है इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप अपकमिंग एक्चुअली मैं एक नया ट्रेंड लेकर आ रहा हूँ जो शायद ही किसी ने लाया मैं हर महीने की 21 तारीख को एक गाना रिलीज़ करूँगा तो इट्स गोना बी यूजुअली कोई भी सिंगर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 महीनों का गैप डालता है लेकिन मैं नहीं कर रहा हम मिलके हर 21 तारीख को एक गाना रिलीज़ करने वाले हैं आगे के 3 प्रोजेक्ट्स में शूट करके आ गए हूँ और आगे के 3 एक बैकएंड के लिए रेडी रखने हैं हम अगले महीने शूट करने जा रहे हैं सो ऑल टुगेदर हर महीने हम लोग खुद का एक लेबल पे दैट इज़ अर्बन म्यूजिक रिकॉर्ड्स सो विल बी रिलीजिंग ऑन दैट सो वो हर महीने की 21 तारीख को ऑडियंस को एक नया गाना मिलेगा अ बिग वीडियो अ बिग कोलैब अ बिग ऑडियो एंड कंटेंट कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने नहीं लाया ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके साथ कोलैबोरेशन फॉर नाउ मेरा जो म्यूजिक डायरेक्टर है ही शोकिड जिन्होंने प्रिंस नरुला और सुयश राइस के साथ में काम किया सो शोकिड इज़ द वन हु इज़ डूइंग इट एंड फ्यूचर कोलैब है मेरे स्टार बॉय एलओसी के साथ में जिन्होंने दिल्ली से बैंच हो गया और भी मेरे बहुत सारे कोलैब्स हैं सो विल बी डूइंग द कोलैबोरेशन विद देम एंड हैं प्लान्स और कई सारे मैं नेम रिवील नहीं कर सकता बड़े कोलैब्स भी हैं सो दैट आई हैड टू बी रिवील्ड
सो अगले जो तीन गाने मैं करके आ चुका हूँ वो शूट हो चुके हैं. सो आफ्टर दिस मतलब कमिंग 21 मार्च आई विल गिव वन मोर सॉन्ग. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.